कॉपी में लिखते चलिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट का पार्ट बचा है वो एक दिन खत्म हो जाए, सबको ले लेंगे हम उससे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, सबसे पहला चीज, इफ वेरिएबल कंटेन मैक्सिमम पावर टू। अगर वेरिएबल मैक्सिमम कितना पावर कंटेन करता है, टू, तो वैसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, देन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस समय वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये जस्ट उसका नाम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन का तरीका सोच के जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है सर। नहीं, आप गड़बड़ कर गए। हमको आपको यही है ना, छोटा सा माइनर डिफरेंस समझाना है, ठीक है। देखिएगा इसके साथ क्या क्या होगा। अगर हम ऐसे लिख दिए ना, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। अगर हम लिख दिए इस तरीके से, उसी को लिख रहे हैं, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंपल जो इससे पहले टर्म यहां से बात लिखा था, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्कशन किसका चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इक्वल टू के दूसरे साइड में जीरो का रहना या किसी कांस्टेंट का रहना जरूरी है। तो टर्म सेपरेटेड बाय इक्वल टू, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। If it contains maximum power 2, then it is called quadratic equation, ठीक है? ये quadratic equation का definition है, जो उसको suit करता है। मान लीजिए जैसे, दूसरा बात, quadratic equation is a part of polynomial। ये किसका part होता है? Polynomial का part होता है। Polynomial, ठीक है, poly का मतलब क्या होता है, multiple मतलब more than one को multiple कहते हैं। अगर multiple places है, multiple terms है, then it is called polynomial। अगर मेरा full length का quadratic होता है, ऐसा होता है full length का quadratic, तो इसमें कितना term है, तीन, ठीक है, तीन टर्म होने का मतलब है कि फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक जो होता है ये ट्राइनोमियल होता है। ये कैसा होता है, ट्राइनोमियल कहते हैं। और बाय द वे, अगर छोटा सा क्वाड्रेटिक है लाइक इसके जैसा, कितना टर्म दिख रहा है आपको, दो, उस समय हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। पूरा का पूरा चैप्टर है आपके 11 में, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है सिंपल ax स्क्वायर is equals to zero, बोलिए तो क्या है, monomial, ये है monomial, ठीक है। monomial आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, फिर से, yes, sir. आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, मेरा आवाज धीरे आ रहा है। अच्छा, दो तीन मिनट बस इस बोर्ड तक के वाले ना कंसीडर कर लीजिए, फिर तेज कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं ब्लूटूथ लगाए थे। मोनोमियल मतलब क्या हुआ, एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, ये हो गया। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किसका पार्ट होता है, एक पॉलीनोमियल का पार्ट होता है। किसी एक पॉलीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री प्लस वन, एन प्लस वन, ठीक बोले, यहाँ पावर टू है, इसमें प्लस वन कीजिएगा कितना आएगा, तीन। क्वाड्रेटिक में क्या तीन से ज्यादा टर्म कभी हो पाएगा, नहीं। तो जितना डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक यूनिट ज्यादा,
उस पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स का बात। दूसरा एक और बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन मैक्सिमम कितना रूट्स, कंटेन मैक्सिमम टू रूट्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मैक्सिमम कितना रूट होता है, दो रूट, मैक्सिमम दो रूट, ठीक है। पता है ये चीज आपको 10th में बोला गया था, 11th में इस बात को हम थोड़ा करेक्ट करते हैं। हम आपको पहले वही बताते हैं जो आप सुने हैं, जो जानते हैं, उसके बाद थोड़ा करेक्शन। कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उसमें हमेशा दो रूट। वर्ड सुने क्या बोले, यहां लिखा था मैक्सिमम, अब मेरा क्या बोलना है, ऑलवेज, हमेशा क्वाड्रेटिक के पास कितना रूट होगा, दो, हमेशा दो रूट, ठीक है, कभी एक नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है अगर वो आइडेंटिकल हो जाए, एक रूट हो सकता है अगर वो आइडेंटिकल हो जाए तो, ठीक है, मगर हमेशा कितना रूट, दो। देखते चलिएगा इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन x को रिप्रेजेंट करता है, मेरा क्वाड्रेटिक ऐसे इसको कट किया, ठीक है, क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ यू शेप में बनता है, हमेशा कैसा बनेगा, यू शेप में बनेगा, ठीक है, यू शेप, ऊपर या नीचे, हमेशा कैसा, यू शेप। दूसरा बात ये है कि ये ऐसे भी तो जा सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन, x, ये ऐसे भी तो जा सकता है, तीन पॉसिबल, इसके अलावा और कोई पॉसिबल, तीन और बना सकते हैं अगर इसको नीचे की तरफ घुमा दे, ठीक है, अगर हम ये जो अपवर्ड डायरेक्शन का है इसको डाउनवर्ड कर दे, सर, तो तीन हम बना सकते हैं, बोलिए बोलिए, नीचे वाला ग्राफ किसका है सर, ये भी क्वाड्रेटिक का है, ये भी क्वाड्रेटिक का है, एक दो तीन, तीनों क्वाड्रेटिक का है, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, x एक्सिस को, और ये जो u शेप बना है ना, u शेप, इट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है पवन सर, लेकिन वेरिएबल का पावर इन दोनों में तो 2 नहीं होगा, दोनों में 2 होगा, अब रुक जा, नहीं, जिसमें एक बार कट किया है एक्सिस और एक टू में एक भी, उसमें भी 2 होगा, और यही कंफ्यूजन था सर, तीनों में 2 होगा, हम दिखाएंगे ना, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, अभी तो खाली खींचे हैं, उसके बाद ही ना कुछ लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं, मीनिंग समझिएगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन को दो प्लेसेस पे रियली इंटरसेक्ट करता है, दो जगह कट करता हुआ दिखा, इसका मतलब है दो रियल रूट, ठीक है, इसका मतलब है दो रियल रूट, दो ही रूट होगा और दोनों का दोनों कैसा होगा, रियल रूट, ठीक है, दो रियल रूट, यहां टू रियल रूट, वर्ड सुने होंगे, इसकी नॉट इज ग्रेटर दैन, ठीक है, यहां पे आपको क्या लग रहा है कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, एक बार, इसका मतलब आइडेंटिकल रूट, कैसा, आइडेंटिकल रूट, रियल होगा कि नहीं होगा, रियली यहाँ पे कट कर रहा है, वन रियल आइडेंटिकल रूट, आइडेंटिकल रूट, सेट में पढ़े हैं ना हम लोग, सेट में क्या पढ़े, एक ही नंबर को अगर मल्टीपल टाइम लिखा भी जाए तो उसको काउंटिंग तो वन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो मान लीजिए हम बोले कि इस वाले क्वाड्रेटिक का दो रूट है, वन और वन, कोई सेंस बनता है सर, क्या बोले सर, आवाज ही नहीं आया, हाँ आवाज इस बार आएगा, बोल रहे हैं मान लीजिए उस सेकंड वाले सिचुएशन में अगर हम ये बोले कि मेरे क्वाड्रेटिक का दो रूट है, वन और वन, तो बोलिए तो मेरे क्वाड्रेटिक में कितना रूट से रूही, सर वन ही होगा, एक रूट है ना, तो अगर हम उसको रिपीट करते हैं तो वो काउंटिंग दो बार नहीं होगा, कितनी बार होगा, एक ही बार, समझ में आ रहा है वो बात, अगले में आइए, yes. इस जगह पे आइए, यहाँ पे क्या x एक्सिस का रियल इंटरसेक्शन है, यहाँ पे no, sir. दो रूट होगा, दो रूट होगा, बोथ इमेजिनरी, दोनों कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा,
दोनों कैसा होगा? इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो जब कभी भी इमेजिनरी रूट्स मिला, कर देखें कैसे बना, रियल रूट और आइडेंटिकल रूट, देख रहे हैं। अब ये हम अभी तक कर्व पे बात कर रहे थे, अब आप ये देखते चले, यहाँ पे बस मेरे एग्जांपल को देखते चलिए। एक नंबर में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो नंबर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तीन नंबर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन देख रहे हैं, क्या आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम फर्स्ट वाले का निकाल के बताइए। तो प्लस की माइनस बस इतना बता दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, उस समय वो दो रियल रूट देगा, इसका ग्राफ ऐसा हो, देख रहे हैं फर्स्ट वाले का ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाले में रूट बताइए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, चेक कीजिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, यानी आइडेंटिकल रूट्स। क्या वो सेकंड वाले फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, थर्ड वाले का डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, 9 माइनस 28 इज नेगेटिव, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैसा? इमेजिनरी रूट्स। आप पढ़े होंगे दो रूट्स एग्जिस्ट ऐसा ही करके कुछ पढ़े होंगे 10th क्लास, ठीक है, या आप लोग उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, और उसका फिगर ऐसा हो, देख रहे हैं। तो तीनों फिगर तीन इक्वेशन, समझे? कहीं कोई दिक्कत किसी को? नोट कीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर डिग्री किसको कहते हैं हम लोग? हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, सोच के जवाब दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, रूट्स कैसा, रियल इमेजिनरी या आइडेंटिकल, कैसा? x square is equals to minus 4, तो x is equals to plus minus root under minus 4, ठीक है। तो हर कोई ध्यान से, root के अंदर negative लगा है, root के अंदर negative लगा है, तो जब आप negative को हटाइएगा ना, तो वो i देगा, ठीक है, आयोटा, और root under 4 का value क्या होता है? 2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 2i, ठीक है, 2i, i का पूरा नाम क्या है? आयोटा। इसका वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर माइनस 1, हाँ, अंडर रूट माइनस 1, ये होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसा रूट्स मिला आपको, इमेजिनरी, और कितना रूट्स है? दो। अब ये कैसे हो सकता है, जब आपको यहाँ पे कटता हुआ दिखा नहीं, तो इमेजिनरी रूट्स कैसे हो सकता है? इमेजिनरी का मतलब रियली डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, आंख खोल के सपना देखना, उसी को कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये लाइन है ना, ये लाइन रियली तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया, आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये हवा में ऐसे उड़ रहा है, उड़ा, उड़ के आया तो कितनी बार का, टू टाइम्स, दो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या ये रियली यहाँ से यहाँ आ गया, ये तो जस्ट इमेजिनेशन का बात है ना, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे कितना रूट्स? दो रूट, और दोनों कैसा? इमेजिनरी। चलिए सोच के बताइएगा, अब जब बात छिड़ी गया है तो हम भी आपको है ना खींच लेते, बोलिए तो इसके पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होगा, मैक्सिमम, ना रियल नहीं बोले, रियल नहीं बोले हम, बोले मैक्सिमम रूट्स कितना हो, कुछ भी रूट मैक्सिमम कितना, अच्छा एक आंसर हमको 5 मिल रहा है और कोई 7 रूट हो रहा है, 4 है, 7 है, 5 भी है, 8 है, 6 है, कुछ बचा कि सारा नंबर आ गया, अच्छा ठीक है सारा। आप इसको ऐसे जगह पे रखें,
इस लाइन को जस्ट इमेजिनरी बना के ऐसे जगह पे रखें जहां मैक्सिमम इंटरसेक्शन आपको दिखे, मैक्सिमम इंटरसेक्शन कम कीजिए, 1 2 3 4 ठीक है, कितना 5 5। तो इस वाले पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ठीक है, वो हम बताएंगे आपको क्वाड्रेटिक से जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तब हम आपको ना पूरा एक्सप्लेन तरीके से बताएंगे। अभी तो क्वाड्रेटिक में चल रहा है, बात छिड़ गया था तो अभी खींच दी ठीक है। तो यहाँ पे कितना रूट्स है, 5। अब 5 में से कितना रियल, 2 2, और कितना इमेजिनरी, 3 3, ठीक है। समझे कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा बात रहता है इसके साथ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ यही सब चलता रहेगा। और उसी समय है ना ग्राफ को हम पकड़ के खींच के लाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है, अभी रहने दें। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रूट आया, हम बस अपनी बात को है ना करेक्ट करना चाहते थे कि चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो या आइडेंटिकल हो, हर बार हमको क्वाड्रेटिक में कितना रूट्स मिलता है, 2, ठीक है, 2 से कम नहीं मिलेगा, 2 से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे रूट्स, रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स आर दोज वैल्यूज, रूट्स आर दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाइड इक्वेशन, सही बात बोले, विच सेटिस्फाइड इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा देखिए, हमको हिंदी में इसका मतलब पता है, मगर मैथ में और क्वाड्रेटिक में तो हमको इसका मीनिंग ही नहीं पता है कि सेटिस्फाइड मतलब क्या, जीरो वो होता तो वो भी हमको पता। मैथमेटिक्स में इक्वेशन सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको संतुष्ट कहते हैं। हमको ऑनलाइन से आंसर मिला अभी कि अगर सर LHS और RHS इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड, समझ गए मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या है। क्या गारंटी आप देते हैं कि दूसरे साइड में आपको हमेशा जीरो देगा, नहीं ना, कुछ भी दे सकता है ठीक है। तो आप जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अगर पुट करेंगे रूट को पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल आ गया, मतलब इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड, आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। अब जैसे ये सेटिस्फाइड हो गया किससे, रूट्स, तो रूट्स को एक और नाम दिया गया, क्योंकि बहुत कोई हमको स्टार्टिंग में बोला कि सर जीरो आएगा, तो रूट्स को एक और नाम देते हैं, रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड जीरोस ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन, यानी कि अगर हम इक्वेशन में पुट करें उसको, जब इक्वेशन मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम उसको पुट करें तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, मेरा वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिएगा, हम आपको 2 वर्ड में केवल है ना अंतर बता रहे हैं, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4, और हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, रूट है कि नहीं, आप क्या करें चेक करिए, आप इसको पुट किए तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस, ठीक है। तो माइनस 3 और माइनस 2 इज माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, LHS RHS बराबर हो गया, सेटिस्फाइड ठीक है। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात अगर हम आपसे पूछें x is equals to minus 1 is zeros of this equation or not, तो क्या आंसर है, zeros है कि? इस स्टेज में zeros का नाम नहीं लाते ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं, x square plus 3x ये इधर आया, plus 2 is equals to, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम जीरोस का नाम लें, बात वही है बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग। तो कहां आपको जरूरत पड़ेगा, स्कूल एग्जामिनेशन, आपको कंपटीशन में तो इन सब का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वहां पे जानते हैं ना स्टेप मार्किंग होता है, अगर आप इस वर्ड को यूज कर लिए और यहीं पे ना निकाल उतार के बैठ गए मार्क्स काट, ठीक है,
अगर अच्छा खासा थोड़ा सा आपसे पिटका हुआ कोई टीचर रहेगा तो मार्क्स काट देगा, ठीक है। अदरवाइज मान ले रहे सब बढ़िया अगर है तो सर भी बोलते जाने तो बच्चा है, बच्चे से गलती होता रहता है, माफ कर, अदरवाइज मार्क्स काट दिया जाएगा। ये मेरा मेन इशू नहीं है, मेन इशू ये है कि आप जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो वो एकदम छोटा से छोटा पार्ट भी आपका क्लियर हो, ठीक है। समझ गए जीरोस कहा और सेटिस्फाइड कहा, रूट्स का क्वाड्रेटिक का रूट्स फॉर्मूला किसी को याद है? हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट निकालने का मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, इट इज कॉल्ड श्रीधर आचार्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, श्रीधर श्री धाराचार्य श्रीधर आचार्य, ठीक है। तो ये मेथड बहुत कुछ होता है, कहां से हम इतना लंबा नाम लेंगे, इसको रूट मेथड भी कह देगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, बस बहुत, ठीक है। इसको रूट मेथड भी कह के आप निकल सकते हैं। ये हो गया एक्स निकालने का तरीका। बी कौन, बी कौन, बी कितना नहीं पूछे, बी कौन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, जिसका पावर वन होता है उसका कोफिशिएंट क्या कहलाता है, बी। सी कौन, कॉन्स्टेंट, और ए कौन, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नेवर बी इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक एक ही जगह पे अपना आइडेंटिटी यूज करता है, कहां पे, कहां पे, जब ए जीरो हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो लीनियर बन जाता है, ठीक है। नोट करेंगे, मीन्स नेगेटिव आ जाए तो हम इमेजिनरी लिख के निकल सकते हैं। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा नेगेटिव आ जाए तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। बाय द वे अगर डिस्क्रिमिनेंट ही मेरा इमेजिनरी आ गया, नेगेटिव नहीं बोले इस बार, क्या बोले, इमेजिनरी, डिस्क्रिमिनेंट की इमेजिनरी आ गया तो रूट्स कैसा होगा, फिर से इमेजिनरी, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या क्या बोल, एक बोले पॉजिटिव, बोलने वाले का भी बोले, एक बोलेंगे नेगेटिव और एक बोलेंगे इमेजिनरी, ठीक है। तीन चीज, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा पॉजिटिव आ गया रूट्स कैसा होगा, रियल। डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा इमेजिनरी आ गया रूट्स कैसा होगा, रियल। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। आप कुछ गलत बोल गए क्या, नहीं ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा इमेजिनरी होगा तो रूट्स भी कैसा होगा, इमेजिनरी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। क्या आप सुने, देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है छोटा छोटा बात में, हमको पता है उससे पहले गलत बोले, हाँ पूछे कि गलत बोले तो आपको गंदा है, आप लोग तो हौसला इतना बढ़ा दीजिए कि गलती करने की बात, आदमी एकदम हवा उड़ेगा ना, गलती मेरे से हो ही नहीं सकता, ठीक है। ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, आपका दिमाग में वो बात आया जो पकड़ लिया, पता है वो समझ गया, उसके दिमाग में वो बैठ गया, जो नहीं पकड़ा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। धीरज अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा इमेजिनरी आएगा तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी, और डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो, अपने पास जो d होता है ना, ये बहुत deciding factor होता है, b square minus 4ac, पहला केस, अगर d मेरा greater than 0 है, both roots are real, यानी उसमें iota नहीं होगा, वो iota free होगा, ठीक है, वो iota free होगा।
दूसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, रूट्स कैसा होगा? बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड, ध्यान रखिएगा, एंड कंटेन अपोजिट साइन, हमेशा ये रूल है, अपोजिट साइन ऑफ टर्म ऑफ आयोटा, टर्म ऑफ आयोटा जिसके साथ आई लगा रहेगा ना, उसका साइन कैसा रहेगा? अपोजिट। एक में अगर प्लस है तो दूसरे में क्या रहेगा? माइनस। जिसका कॉम्प्लेक्स चल रहा था, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट, क्योंकि कोई कोई है जिसका कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, इसलिए हम वो वर्ड ही नहीं लाए और उस चीज का एक्सप्लेनेशन याद। अगर मान ले रहे हैं डी लेस देन जीरो हो गया, एक रूट, आप समझते हैं रूट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक रूट मेरा पी प्लस आई क्यू है तो एकदम कंफर्म बात है कि दूसरा रूट क्या होगा? पी माइनस आई क्यू होगा, कंफर्म, ठीक है? इसमें कोई भी है ना किंतु परंतु कुछ नहीं है, हमेशा ये काम होता ही, ठीक है? निकालेंगे तो चेक भी करते चलेंगे। तीसरा बात है कि अगर डी मेरा इक्वल टू जीरो हो गया, रूट्स पहले बोलिए इमेजिनरी होगा कि रियल होगा? रियल, ठीक है, क्योंकि रूट तो वैसे भी पता, तो क्या कह सकते हैं? रियल, रियल रूट्स, रियल रूट्स। और कैसा? आइडेंटिकल। और कैसा? आइडेंटिकल रूट्स। ये डी से हम लोग चेक कर लिए। अब एक और चीज थोड़ा एडिशनल बात है, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा सा काम पड़ेगा। रूट के अंदर अगर a प्लस आई पी आ गया, अब पता है किसी के दिमाग में क्या चलता है, सर अगर a माइनस आई पी आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है? अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस इसके साथ लेके निकलेगा। जैसे हम आपसे ये बोलना चाहते हैं रूट अंडर 3 माइनस 4 आया होगा, बोलिए तो a का वैल्यू 3 और b का माइनस 4 माइनस अभी का माइनस। क्या आपको यहाँ माइनस दिखा? आपको तो नहीं दिखा, प्लस समझे? यही सर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालने से ना बात नहीं, तक कोई चीज दबाते हैं उसमें समान निकलता है, दिमाग पे जोर डालिए रखा उसमें से कॉन्सेप्ट नहीं, समझे? देखिए 3 प्लस ऑफ माइनस 4 आयोटा जिसमें बी कितना है? माइनस 4। हम आपसे वही बात बोलना चाहते हैं, हम जानते हैं जो हम नहीं लिखे हैं दूसरा दिमाग में कि वो होता, पहले ये तो समझ लो यार, बाद में देखेंगे वो, ठीक है? तो इसीलिए हम आपको यही रोक कि a प्लस आई बी छोड़ के और कुछ नहीं होता, अगर लिखा है ऐसे माइनस में तो उसको हम कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है? बढ़े, अगर ऐसा पार्ट है तो आपको क्या करना है कि इस रूट को हटाने के लिए इसको अज्यूम करना है x प्लस आई वाई, ये आप क्या करेंगे? अज्यूम करें, बाद में आप स्क्वायरिंग करें, अगर किसी को देखा देखा लग रहा है कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर में हो जाएगा a प्लस आई वी और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब क्या है कि इधर में कहीं हम लिखे थे, रब कर दिए, आयोटा का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन, तो लिख सकते हैं ऐसा, हाँ ठीक है, एकदम सही, बस ऐसे ही जवाब देते चलिए ना, फिर उसके बाद देखिए हम कितना तेजी से बात करते हैं। विदाउट आयोटा, विदाउट आयोटा बाय बाय, तो x square minus y square is equals to a is called equation number one, ठीक है? With iota, with iota, बाहर बाहर, भाई हो गया था, ठीक है? बाहर, ठीक है। 2xy is equals to b is equation number two, ठीक है? Equation number two, मेरे पास unknown कौन? ये तो given है ना? Unknown कौन? X और y, दो equation, दो unknown solve करके नहीं निकाल सकते, यहाँ से एडिशनल बात, एडिशनल बात, एडिशनल बात, ठीक है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फायदेमंद है, एडिशनल है तो फायदेमंद है, क्या फायदा है सर?
वन और थ्री को ऐड करके देखिए ना, वाई स्क्वायर कटता हुआ और एक्स स्क्वायर अपना वैल्यू देता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट रहा होगा और वाई स्क्वायर अपना वैल्यू दे रहा होगा, वाई स्क्वायर मिल गया तो वाई भी मिल गया ना, ठीक है, ऐसे। तो आप यहाँ से फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, एक्स एंड वाई। जब एक्स वाई निकल जाएगा यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये रूट वाला टर्म सॉल्व हो गया ना, तो इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो हमको तो मिलेगा ऐसा ही, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ गया, उधर गया कहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो क्या हम ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसे हम आंसर नहीं छोड़ सकते, तो उस समय हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व करना होगा। और उसको सॉल्व करने का तरीका आपके सामने, ठीक है। अब क्या हम हर एक, हाँ 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 बोलिए बोलिए ना, बताएंगे सॉल्व करके अपने से, इसका स्क्वायर कीजिए और उसमें इसका स्क्वायर ऐड कीजिए अपनी कॉपी में, कीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है, और हमको बताइए इतने के बराबर आ रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तो पहुंचे रूट्स, ठीक है। तो बाय द वे अगर अपने पास कभी डिस्क्रिमिनेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो उस समय उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सॉल्व करने का तरीका ये है। मगर क्या हर एक क्वेश्चन में हम इतना बड़ा बड़ा करते रहेंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए बाय द वे अगर आपका ए प्लस आई बी का रूट पूछा गया या रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे इट विल बी इक्वल्स टू, प्लस और माइनस तो लगेगा ही रूट के कारण, यहाँ एक रूट के अंदर, एक रूट के अंदर, ठीक है, क्या करना है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और इसमें बाई टू प्लस आई टाइम्स रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस हमको देना था, माइनस ए बाई टू, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इतना भी बड़ा चीज नहीं है, हाँ ए और बी मिला ना, क्या किए यहाँ पे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड किए ए बाई टू और प्लस आई वुड टाइम क्या किए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट किए ए बाई टू, ठीक है, आप इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते। हाँ दूसरी बात, गारंटी किसी चीज का नहीं होता ना, साइंस तो आज तक माना ही नहीं कि भूत है कि नहीं, जब नजर आता है तो पेपर में छाप देता है कि भूत है, दूसरा दिन बोलता नहीं एक आदमी भटक गया, ठीक है, ए माइनस आई बी, ठीक है, ए माइनस आई बी, तो जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी आप माइनस रहेगा, ठीक है, और प्लस रहेगा तो वहां पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, आया, ठीक है, तो ये नोट करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम इसमें से ले रहे हैं, 14.1 एक्सरसाइज है और इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करके बनाओ, बोल रहा है इसको फैक्टराइज करके बनाओ, चांस ही नहीं, कोई कुछ भी बोले मत सुनो, ठीक है, अपना काम कीजिएगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है, और हम आपको है ना निकाल के सैंपल दिखाते हैं, फिर बताएंगे सोचना कैसे, देख x = माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, x = माइनस टू प्लस और माइनस रूट अंडर माइनस 16 बाय रूट माइनस 16 को क्या लिखते हैं, 4i लिख सकते हैं बाय टू, सब में से टू टू कट गया, x = माइनस 1 प्लस माइनस 2i, दो रूट मिला, एक क्या मिला हम लोग को अल्फा = माइनस 1 प्लस 2i, एक मिला बीटा कितना माइनस वन माइनस टू,
ये हो गया। अब आप हमको ये बताइएगा इसको लिख के आके कैसे पता लगाएगा भाई तोड़े कैसे, ठीक है? हम तो जबरदस्ती कर सकते, देखिएगा जबरदस्ती दिखाते हैं। बी वन प्लस बी टू दैट इज इक्वल टू द मिडिल वाला नंबर और बी वन इंटू बी टू इज इक्वल टू साइड वाला नंबर, मतलब ये सी, ठीक है? बी वन प्लस बी टू किसके बराबर? बी। और ए सी किसके बराबर? बी वन इंटू बी टू, हो गया। दो इक्वेशन दो अनोन नहीं निकाल लीजिएगा, निकालने का तो हम लोग कुछ भी निकाल के रखते हैं सामने, ठीक है? मगर एक तरीका होता है जब इतना करेंगे तो ये क्यों निकल, ठीक है? अब हम इसको अभी और आपको हम बिना दिखाए देंगे बी टू हाइट बाई बी वन, ठीक है? कहाँ पुट करेंगे? बी टू के जगह। चलिए पुट करके चेक करते हैं भाई हो क्या रहा है। फाइव बाई बी वन हो रहा है इज इक्वल टू टू हो रहा है, बी वन यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो बोलेंगे हम बी वन का स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू टू बी वन, ये बोलेंगे। उसके बाद ये इधर चला आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि बी वन स्क्वायर माइनस टू बी वन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक का रूट निकालने के पीछे एक और क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो ये सब काम नहीं करता, हाँ, मगर बाय द वे आपके स्कूल एग्जामिनेशन आ ही गया और वो बोल रहे हैं सर एकदम मैंने स्ट्रिक्टली की नई फैक्टराइजेशन लिखा तो तुम उसी से बनाओगे तब मार्क्स देंगे, ठीक है? तो तरीका क्या होता है? तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे था बस मेरे, सबसे पहला अगर आप चाहें तो आराम से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें क्योंकि एक ही जगह पे लिखिएगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नंबर बड़ा, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है? देखिए फोर और यहाँ से एक फोर बाहर है, यहाँ से भी एक फोर आ रहा है, तो कितना फोर बाहर आ रहा है? दो, है ना? दो फोर। उसके अलावा और कुछ यहाँ बच रहा है कितना? थ्री, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम क्या किए फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाहर निकाल लिए तो ये सेवन का स्क्वायर 49 हो गया और इस प्लेस पे क्या बच गया 17 इंटू थ्री इज 51। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, माइनस टू यानी माइनस 32, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है? अलग से सॉल्व। अब रूट के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी बाई टू ए। देखिए तो x अपने पास क्या आएगा माइनस 28 प्लस और माइनस, देखिए माइनस अगर रूट में आया तो अल्टा तो लगाएंगे और 32 मतलब 16 इंटू टू, 16 का रूट कितना होता है 4, तो इट इज 4 रूट टू, ठीक है? तो ये हो गया 4 रूट टू आयोटा और डिवीजन में कौन बैठा 2 इंटू 17, सब में से 2 कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू आ गया माइनस 14 प्लस और माइनस 2 रूट टू आयोटा और डिवीजन में क्या आ गया 17, ये अपना आंसर, ठीक है? यहाँ पहुंचे हो गए कंप्लीटिंग स्क्वायर माइनस टू और प्लस माइनस आयोटा नहीं अलग, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ अलग आंसर आया है चेक कर लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रह गया, ये जो 2x लिखा ना इसको 2 इंटू एक्स इंटू वन लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन, थर्ड प्लेस पे कौन है 1, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ऐड किए 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 और प्लस 2 था रहने इज 0। यहां से यहां तक ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सर आपका आवाज बहुत धीरे आने लगा, फिर से सर आपका आवाज बहुत धीरे आने लगा है,
फिर से देखिए, x प्लस वन का होल स्क्वायर और ये जो लिखा है ना यहाँ पे प्लस वन, ये जो लिखा है प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन। तो माइनस ऑफ माइनस वन को क्या हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे माइनस वन को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो गया क्या? आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, दो पार्ट में डिवाइड करें, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, देखिए मेरा आवाज बोलना है सर, एक्स प्लस वन और इसमें माइनस आयोटा, ठीक है, और इसके साथ एक्स प्लस वन और इसमें प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा, यही आंसर आएगा। चेक कीजिए सर, देख लीजिए, नहीं कुछ डाउट है तो पूछा जाए। अब मेथड एग्जिस्ट करता है तो हमको तो बताना ही है आपको, इस जगह पे ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा नहीं, स्प्लिट जो यहाँ लिखा रहेगा ना उसको हमेशा 2x से ही डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ लिखा 2x, उसको 2x से डिवाइड किया, कितना आया 1, 2x डिवाइडेड बाय 2x 1 आया, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चीज। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बोलिए यहाँ क्या लिखिएगा, 2x से डिवाइड कीजिए, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स, क्या बचा, 2x से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे इंटू में 2, उसी 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से डिवाइड कीजिए और बताइए जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x से डिवाइड कीजिए, हमेशा 2x, कितना आएगा 3/2, 3/2 स्क्वायर कंप्लीट करने का ये तरीका, जो भी यहाँ लिखा है ना उसको हमेशा 2x से डिवाइड कीजिए, ठीक है, जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आया 3/2, ऐड कर दिए 3/2, सब्ट्रैक्ट कर दिए, रिमेनिंग जो था रहने दिए। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तब जाके आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझे कहा? ये वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस, उसके बाद ये जो आंसर है एक्स प्लस वन माइनस आयोटा जीरो, तो एक्स कितना होगा माइनस वन प्लस आयोटा, और अगर एक्स प्लस वन प्लस आयोटा जीरो तो एक्स कितना होगा माइनस वन माइनस आयोटा, उधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, आया कि फिर बताया, और किसी को कुछ भी पूछना है एकदम आराम से पूछिए। देखिए ये था इमेजिनरी वाला पार्ट, अब हम लोग है ना बात करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सबका? यस। बना लीजिएगा इसमें सब है ना वैसा ही क्वेश्चन। सेकेंड एक्सरसाइज में ये सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है, पहले इसको खत्म कर ही लेंगे, उसके बाद भी आगे के लिए कुछ पड़ेगा। सर वीडियो रुक गया है सर।
हमारे हैं। यस सर आवाज। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो रहा है एकदम बोलना है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 3i टाइम एक्स प्लस 6 रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 बोला इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने बोला तो हमको कुछ नहीं बताया कौन से मेथड्स, तो हम क्या करेंगे, पहला तो ट्राई करेंगे स्प्लिट हो जाए, ठीक है, अगर फैक्टराइज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर कौन सा मेथड लगाएंगे, रूट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको b1 और इसको b2 कहते हैं ना, b1 और b2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताइए तो क्या आ रहा, 6√3 क्या आपको दिखा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब स्प्लिट हो सकता है, तो स्प्लिट कर दीजिए, मतलब सिंपल ब्रैकेट खोल दीजिए इसमें और कुछ नहीं करना, और माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस 6√3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 ये दोनों एक कैटेगरी का देख रहे होंगे आयोटा फ्री, ठीक है, और ये दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों में से अगर कुछ कॉमन लेना है तो क्या लेना है, एक्स बच गया, एक्स माइनस 2√3 इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है क्या लेंगे आप, तो 3 आयोटा बच गया, एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग फैक्टर में लिखे तो x माइनस 3 आयोटा और उसके साथ x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा हुआ। अब इसमें पहली बार में जब ये 0 होगा, फर्स्ट टर्म मेरा 0 होगा, x कितना आएगा, x आ गया 3 आयोटा, और जब सेकंड वाले पार्ट को आप 0 करेंगे, अच्छा समझते हैं इसको 0 क्यों कर रहे हैं, अगर किसी को डाउट है किसी को भी कि सर जीरो क्यों कर दे रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं जीरो कर दे रहे हैं पटाक से, तो एकदम पूछना है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ लाइन है, बोले मैंने बता दें, ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। मान लीजिए जैसे ना कि मेरे पास a इंटू बी लिखा हुआ है 0, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आइदर a 0 हो या फिर बी 0 हो। आप सोचिए कोई भी नॉन जीरो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर कभी 0 दे सकता है, कभी नहीं, तो 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब एक नंबर कम से कम 0 रहेगा तब, हाँ एक नंबर कम से कम 0 रहेगा तभी आएगा 0। इसी कारण से जब कभी भी ऐसे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म को 0 करते हैं, मतलब ये आइदर और वाला केस है, एक टर्म को जीरो किए एक्स निकाल लिए, दूसरे टर्म को जीरो किए और यहां से एक्स निकाल लिए, तो जीरो करके जब हम एक्स फाइंड करते हैं देन इट इज कॉल्ड रूट्स। रूट्स का एक और नाम क्या है, जीरोस, इसलिए इसको जीरो करते हैं, ठीक है, देख रहे हैं इक्वेशन का कैसा है, रूट्स, रूट्स कैसा है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, नहीं देखिए क्या, एक रियल है और एक कैसा है, इमेजिनरी, ठीक है, तो इसके पास दो रूट है मगर एक रियल और एक कैसा, इमेजिनरी चलता है। क्वाड्रेटिक में ये बहुत कम चांस होता है, क्वाड्रेटिक में ये बहुत कम चांस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे देखिए क्या आपको एक रियल दिखा और एक इमेजिनरी दिखा, ठीक है, ऐसा yes, आगे बढ़े, हम चाह रहे हैं किसी क्या, हाँ ये खत्म, तो इसमें ज्यादा दिन लगा के क्या फायदा, टाइम पास हो, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर इन्हीं सब का टाइम तो जानते हैं आदित्य, आगे लेता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इन्हीं सब का टाइम लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग पार्ट जो है nth रूट्स, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, हम तो बताएंगे ही मगर आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। 5 माइनस आयोटा टाइम एक्स के साथ क्या लिखा है, 2 टाइम 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, देख लीजिए कितना सारा आयोटा देके भर दिया है क्वेश्चन, फालतू है, मतलब केवल ये सब आयोटा दिखाया गया है, नहीं होता है,
मुर्गा जब झगड़ा करने लगता है तो देखिएगा शरीर फुला लेता है, रहेगा 500 ग्राम का, दिखेगा 1.5 किलो। सावन खत्म हो गया। ये ऐसा है। तो यहाँ से अगर हम लोग को रूट्स निकालना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? रूट मेथड। सिंपल सिंपल तरीके से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, मगर सोचिए अगर हम उसको यूज कर देंगे कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपकी इच्छा। मान लेते हैं जैसे अगर सोच के घर से निकले हैं कि आज पैर पे हमको है ना कुल्हाड़ी मार लेना, मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी सॉल्व हो जाए। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एस, तो माइनस ए टू प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, क्या बात है, ठीक है? और डिवीजन में कितना, टू टाइम टू प्लस आयोटा आया। हम आपको यही बोल रहे थे कि एक जगह पे इतना बड़ा सा टर्म, क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डराटा, ठीक है? इसलिए चाहे तो अलग से सॉल्व कर ले, नहीं तो यहाँ में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है? आप 11 में है, छोटी ना बच्चा है। प्लस माइनस देखिए सॉल्व कीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर 10 आयोटा, मल्टीप्लाई करते चलिए, माइनस 16 से 1 माइनस 16 से माइनस आयोटा माइनस 8 आयोटा से 1 माइनस 8 आयोटा से माइनस आयोटा, ठीक है? हो गया ये पूरा का पूरा डी का पार्ट। और नीचे 2 टाइम्स 2 प्लस आयोटा, अब देखिएगा इसमें आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ये माइनस 1 ये माइनस 8, तो कितना हो गया माइनस 9, माइनस 9 और माइनस 16 कितना हो गया माइनस 25, माइनस 25 और प्लस 25 गया, ठीक है? खत्म। रह गया आयोटा, देखते हैं माइनस 10 आयोटा माइनस 8 आयोटा कुल मिला के माइनस 18 आयोटा और उसमें प्लस 16 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यही ना माइनस 2 आयोटा। x is equals to 5 minus iota plus or minus root under minus 2 iota पे राजी हुए थे हम लोग, 2 times 2 plus i, हो गया? देखिए तो root के अंदर कौन बैठा है? Imaginary, ठीक है? अगर हम लोग एक दूसरे angle से देखें तो वो complex है, ठीक है? तो अभी अभी हम आपको है ना कुछ बता रहे थे कि अगर रूट के अंदर a प्लस ib होता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बस वही मेथड लगा, ठीक है? आप उसको अलग से सॉल्व करें, कभी वहीं पे सॉल्व करने का कोशिश ना करें, ठीक है? यहाँ तक लिख दिए ना, बहुत ही, अब इसको अलग से लीजिए। रूट अंडर सर आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, आवाज कट के आ रहा है, अभी ठीक है सर? अभी भी आ रहा है लेकिन बहुत धीरे है। दो तीन मिनट बस, दो तीन मिनट बस, केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? ठीक है। जीरो माइनस टू आयोटा, ठीक है? ये ऑफ हो गया है इसलिए आवाज वैसे आ रहा है, बैटरी डाउन हो गया है। रूट अंडर जीरो माइनस टू आयोटा, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया था क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, किसी को याद है क्या? प्लस और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4 और उसमें से प्लस ए 6 बाई 2 3 3, ठीक है? अब फिर उसके बाद माइनस रहता है तो बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, गड़बड़ नहीं होगा? हमको लगता है गड़बड़ हो गया, सब कोई ध्यान सुनिए, गड़बड़ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4, जो माइनस ए रहे जीरो घटा के हम लोग 1 2 और 3 लिख के बैठे, 4 होगा ना? अब 4 बाई 2 कितना होगा, 2 होगा, समझे? मेरा लगता है लिमिट पहुंच ही गया, देखिए यहाँ पे
अगली बार क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें माइनस ए रहेगा फोर, अब बाई टू फिर से टू आएगा, ठीक है, बी कैसा हो जाएगा टू कैन बेट, और यहाँ आयोटा देखो हो गया बेटा, देख रूट अंडर माइनस टू आयोटा टू के क्या दिया, रूट टू माइनस रूट टू आयोटा, ठीक है, रूट टू माइनस रूट टू आयोटा, कोई बोलेगा सर ऐसे ही छोड़ देते कितना अच्छा था, नहीं, आयोटा को आप रूट के अंदर रखिएगा तो उसको आंसर नहीं माना जाता, ठीक है, उसको रूट से बाहर निकालना ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप लिखें फाइव माइनस आयोटा और प्लस माइनस रूट टू माइनस रूट टू आयोटा, रूट टू माइनस रूट टू आयोटा, और डिवीजन में कितना टू टाइम्स टू प्लस आयोटा, ये आपका आंसर है, क्योंकि 5 के साथ रूट टू वैसे भी नहीं सॉल्व होने वाला है, रूट टू कैसा नंबर होता है इरेशनल, और 5 इरेशनल वैसे भी नहीं सॉल्व होगा, रहने दीजिए बस, बहुत देख लिया आपका। जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर आयोटा का टर्म आया, समझ लीजिए मेरा मुश्किल बढ़ गया, क्या मुश्किल बढ़ गया, जो रूट के अंदर का टर्म है उसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते, ठीक है, नोट कीजिए। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही था, इसी को ढूंढ रहे थे बताने के लिए। सब क्वेश्चन बना लीजिएगा आरडी शर्मा बुक में से, सब क्वेश्चन बना लीजिएगा सिंगेज बुक में से, क्वाड्रेटिक या थ्योरी ऑफ इक्वेशन टच ना करें, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।